यो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। आई एम सॉरी गाइस, मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया थोड़े टाइम से और मैं अपलोड नहीं कर पाया। वो लाइफ में कुछ ऐसे थोड़ा सा फेस ऐसा आ गया था कि मैं शूट नहीं कर पा रहा था, और साथ में ही मेरी गाड़ी की जो चाबी है, नई गाड़ी की, वो गुम हो गई थी। उसी वजह से कुछ परेशानी चल रही थी जिस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। और साथ में जो मेरा स्टैंड है मोबाइल का, जो मैं अभी यूज़ करता हूँ साथ में ट्राइपॉड स्टैंड, वो भी मेरा टूट गया था। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मोबाइल को हाथ में पकड़ने। मैंने शूट किया था लेकिन वो डाटा जो था पता नहीं क्या ऐसे करप्ट हो गया मेरे लैपटॉप, मतलब सारी चीज़ें जो थी एक साथ ही हो गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज ब्लॉग। स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं अपने घर में हूँ, बस तैयार व्यार होकर गाड़ी में बैठा हूँ। मैं और मम्मी अभी हम जा रहे हैं बगला मुखी माता के मंदिर, और साथ में पहले जाके सर्विस करवाएंगे गाड़ी की। गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए भी नगरोटा सूर्य रुकेंगे कोई इधर आधा घंटा तक, पौना घंटा जो भी लगेगा। गाड़ी की सर्विस करवा के उसके बाद हम सीधे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। मतलब आज का टाइम थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो अभी हम निकल रहे हैं एजेंसी के लिए, पहले वहाँ से गाड़ी वॉश करवाएंगे और उसके बाद जाएंगे बगला मुखी मंदिर। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैंने बैठा दिया वेटिंग रूम में, मैं हूँ अभी एजेंसी में। गाड़ी में लग गया पीछे बाहर, हमने उसको गाड़ी निकाली बाहर, उसके बाद मेरा नंबर लग गया गाड़ी का। बस अभी मेरे को पता माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आवाज़ मेरी हो जाएगी सही। अभी थोड़ा माइक नहीं है मेरे पास, स्टैंड मेरा नहीं है, अभी हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ दूसरा बड़ा स्टैंड मेरा। तो गाड़ी हमारी आसमान की ऊँचाइयों में, गाड़ी में अभी देख के आऊँ, गाड़ी हो रही है अभी वाश। तो जब तक गाड़ी वाश होती है तब तक मैं आपको अपनी चाबी का किस्सा सुना देता हूँ क्या हुआ था। तो मैंने चाबी अपनी गाड़ी वालों का वाश करके उसको कवर दे के मैंने चाबी रख दी बादू जी गाड़ी के ऊपर, मतलब मेरे पापा की गाड़ी के ऊपर। वो शाम को मार गिर गई और चाबी रास्ते में कहीं गिर गई। तो मेरे को अगले दिन जब मैंने जाना था कहीं, तो गाड़ी थी चाबी देखी दिखी नहीं मेरे को, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। मतलब पिछले मंगलवार को, यानी आज पूरे 7-8 दिन हो गए हैं मतलब चाबी गुम हुए, और आज आके चाबी मिली है। तो वो भी मेरे को आज अचानक दिमाग में आया कि शायद मैंने गाड़ी के ऊपर चाबी रख दी और गाड़ी चले गई हो बाहर और वहाँ पर कहीं गिर गई हो। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया, फिर कहीं से कुणाल नाम का लड़का है, वो मेरा छोटे भाई की तरह ही है, उसने अपने फ्रेंड्स को आगे फ़ोन किया और उसको चाबी मिली है। और थैंक गॉड मेरे चाबी मिल गई, वरना एजेंसी में तो पूछा था तो उन्होंने 4500 का खर्चा बताया था, साथ में FIR वगैरह, मतलब 100 झंझट थे। तो गाड़ी गई धूल और अभी हम निकले, वैसे लेट हो गए हैं, 5 बजने गए हैं इस टाइम, और हम चले बगला मुखी मंदिर और वहीं पे पहुंच के आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा लेट है इसलिए थोड़ा जल्दी में हो। ओके, तो हुआ यूँ कि मंदिर तो हम गए थे, मैंने सोचा मैं मंदिर में जाके अंदर से शुरू करता हूँ, अंदर से दिखाना शुरू करता हूँ, लेकिन अंदर गए तो अंदर कैमरा बंद किया हुआ उन्होंने, अंदर नहीं नहीं जाने दे रहे। अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे शॉप्स वगैरह हैं, अभी ऊपर ऊपर से दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर फोटोग्राफी पता नहीं क्यों मना कर दी। मेरे को पता नहीं था फोटोग्राफी बंद है अंदर, लेकिन पहले तो चलती थी यार, पता नहीं अभी भी हुआ है थोड़े टाइम से। तो ये रहा मंदिर बनखंडी रोड पे, बगला मुखी मंदिर का रास्ता, और पीछे व्यू देखो कितना सही आ रहा है। ऐसा करता हूँ मैं, वो आगे जाके ना वहाँ से व्यू लेके देखता हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा था कि मंदिर के अंदर जाके आपको व्यू दिखाऊंगा सारा का सारा अंदर मंदिर से कैसा है, लेकिन हुआ यूँ कि मैं जब अंदर गया तो उन्होंने बोला कि अंदर कैमरा लोड नहीं है तो हम शूट नहीं कर सकते यहाँ से। तो पता नहीं नए रूल रेगुलेशन है, एक स्लिप सी घटी थी, मैं स्लिप आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर टेम्परेचर चेक हुआ, आधार कार्ड का नंबर लगा, और ये जो स्लिप आई थिंक पता नहीं सीधी आ रही है, मैं इसकी फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। तो ये सब भी था। आई एम सॉरी गाइस, मेरे को लगा था अंदर से काफ़ी अच्छा ब्लॉग बन पाएगा,
तो फिर वहाँ पे तो रास्ता बाहर से ही मेरे को फ़ोटो लेनी पड़नी थी, तो इसलिए मैं स्पेशल ऊपर से आया हूँ और दिखा देता हूँ आपको। जहाँ पे झंडा लगा हुआ वहाँ पे एग्जैक्टली रास्ता है, एग्जैक्टली वहाँ से मैं सारा घूम के यहाँ पे आया हूँ। तो ये अभी यहाँ पे गाड़ी लगाई है स्पेशल व्यू देखने के लिए। तो ये मंदिर देख लो, यही मंदिर है बगलामुखी माता का। अभी घर जाने का टाइम हो रहा है, अभी घर जाना है। मम्मा वहाँ पे वेट कर रहे हैं मंदिर के बाहर। मैंने बोला मैं ज़रा ब्लॉग एंड करके आता हूँ। तो अभी गाइस अभी वापस जाने का टाइम हो गया, मेरे को अभी निकलना, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है साथ में। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो मूड ख़राब हुआ वो बस इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं किया, तो उस वजह से थोड़ा सा हो गया। एनीवे अब जो हो गया वैसे तो को उसको क्या ही कर सकते हैं, अभी तो नहीं जा सकते, तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो बस अभी हम वापस निकल रहे हैं। होप सो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा अगला ब्लॉग है वो टाइम टू टाइम आते रहे, इतना ज़्यादा लेट ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।